हे गाइस, कैसे हो? आई एम डॉक्टर चरणजीत सिंह, सिविल एक्सक्रेमिस्ट्री, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुरी सर। बच्चों, हम अमाइंस में आज केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करने वाले हैं एसाइलेशन ऑफ अमाइंस एंड अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। ये दो डिफरेंट रिएक्शंस हैं। एसाइलेशन में अमाइंस के साथ एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं और उसमें RCO ग्रुप जो है वो अटैच हो जाता है नाइट्रोजन के साथ। यहाँ देखिए, ये है इथेन अमाइन। इथेन अमाइन जो है, इसमें क्या होता है कि ये नाइट्रोजन जो है इट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और ये अपने लोन पेयर जो है सी को डोनेट करता है, इसका एसिड क्लोराइड का सी। और ये उसके बाद क्या हो जाता है कि इसके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो ये बन जाता है C2H5 NH2 एन के पॉजिटिव चार्ज। ये एसिड क्लोराइड, इसको हम इथेनॉल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, और ये प्रोडक्ट बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि एच अपना इलेक्ट्रॉन वापस इलेक्ट्रॉन एन को दे देता है और एच यहाँ से रिमूव हो जाता है, HCl बन के यहाँ से रिमूव हो जाता है और हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पर C2H5NH3CO और ये CO3 का अटैच होना एन के साथ CO3 ग्रुप का अटैच होना, इस ग्रुप को बोलते हैं एसाइल। दिस इज कॉल्ड एसाइलेशन। तो अब प्रोडक्ट क्या बन गया, एन इथाइल, एन के साथ इथाइल इथेनामाइड, ये अमाइड बन गया C2, एक सी ए एक सी इथेनामाइड। तो यानी कि कहने का मतलब ये होगा, इथाइन जो अमाइंस हैं उसमें जो नाइट्रोजन है इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल और अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन सी को देकर सी के ऊपर, क्योंकि CCl के बीच में पोलर बांड है तो एच यहाँ आ जाता है, एन के पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसके बाद ये एन अपने इलेक्ट्रॉन को फिर वापस एच से ले लेता है, तो आगे ये प्रोडक्ट बन जाता है, HCl रिमूव हो जाता है। तो इसको यानी कि एक एच प्राइमरी बांड से रिमूव हो गया और वहाँ एसाइल ग्रुप लग गया CH3CO, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं एसाइलेशन। और इस रिएक्शन में हमने बेस डाला हुआ है, बेस की मदद से रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। तो ये 1 डिग्री माइनस ही, अब हम 2 डिग्री लेते हैं। जैसे यहाँ इस एच के बदले भी यहाँ C2H5 CH C2H5, इसको एन इथाइल इथेनामाइल इथेन एन इथाइल इथेन एथेनामीन EMIN है ये एन इथाइल इथेनामीन। अगर या तो आप इसको डाई इथाइल मीन भी बोल सकते हैं, 2 डिग्री मीन है ये। 2 डिग्री माइंस के साथ रिएक्शन हो रही है और आगे हम ले रहे हैं इथेन ऑयल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड कुछ भी लिखिए, इथेन ओ ऑयल क्लोराइड, ये भी हमने इथेन ऑयल क्लोराइड एसिड के डेरिवेटिव होता है ये। और आगे क्या बन जाता है, यहाँ देखिए, ये वैसे के वैसे ही रहा, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन हुई, यहाँ पर भी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। हम यहाँ इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ले रहे, डायरेक्ट ले रहे हैं रिएक्शन को आगे, तो ये साइलेशन यहाँ पर भी हो गया, यहाँ से Cl और यहाँ से H रिमूव हो गया हमारे पास, तो माइनस। तो यहाँ आगे लिखिए HCl को, यहाँ यहाँ लिख लीजिए, तो ये बन गया NN डाइथाइल इथेनामाइड, ये इथेन अमाइड बन गया, यानी कि अमाइन से अमाइड का बनना। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं साइलेशन रिएक्शंस। और अगर हम एरोमेटिक ले लीजिए, यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं, ये बेंजीन मीन ली हमने, इसको हम एनिलीन भी बोल सकते हैं, आपको पता है C6H5NH2, इसको एनिलीन भी बोलते हैं। एनिलीन की साइलेशन कर रहे हैं हम CH3CO CO CH3। यहाँ हमने लिया एसिड एनहाइड्राइड, इसको इथेनोइक एनहाइड्राइड भी हम बोल सकते हैं क्योंकि हमारा एसाइलेशन का मसला है, तो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी तो ये इससे चला जाएगा और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको अटैक करेगा यहाँ पर सी को और यहाँ बन जाएगा C6। देखिए सीधा बन गया C6NH NH और उसके बाद ये ग्रुप लग गए यहाँ पर CO CH3, यहाँ से ये एच हट गया, अच्छा ये एच हट गया और ये एच किसके साथ लग गया, ये CH3COO है ना, तो एच यहाँ लग गया तो बन गया एसिटिक एसिड, ये लाल प्रोडक्ट बन गया और ये हमारा मेन प्रोडक्ट ये अमाइड है। इसका नाम क्या है, एन फिनाइल, एन के साथ फिनाइल है, इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड। तो ये थी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन, ये दो एलिफेटिक्स कंपाउंड के साथ रिएक्शन। और इस रिएक्शन के बीच में हमने या तो एसिड क्लोराइड ले लीजिए या तो
ऐसे एनहाइड्राइड लीजिए, हमें चाहिए CH3CO ग्रुप जहाँ से ये मिलता है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप हम माइंड की आती है एसाइलेशन के लिए। देखिए एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मीन्स, प्राइमरी में दिया सेकेंडरी में रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के साथ एक्ट किया, ये एसिड क्लोराइड है, एनहाइड्राइड्स के साथ एक्ट किया, एस्टर्स के साथ एक्ट करोगे तब भी ऐसे ही आएगा बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। This reaction is known as acylation. Consider this reaction as the replacement of hydrogen atom. यहाँ क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ प्राइमरी मीन्स का भी और सेकेंडरी का भी। यहाँ देखिए ये सेकेंडरी मीन्स है, यहाँ से भी एच मूवर वहाँ से भी एच हुआ है ग्रुप बाय द एसाइल ग्रुप। एसाइल होगा सी ओ सी एच थ्री ग्रुप, आर सी ओ आर सी ओ ग्रुप, सी एच थ्री सी ओ हो गया आर सी ओ ग्रुप। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एसाइलेशन रिएक्शंस आर नोन एज अमाइड। देखिए यहाँ अमाइड, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स होता है जब हम एसाइलेशन रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस स्ट्रॉन्गर देन द अमाइन, बेस अमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। कौन हो सकता है अमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर, फिर पिरिडीन, पिरिडीन हो सकती है। तो यहाँ पिरिडीन लिख सकते हैं पी वाई आर आई डी आई एन, पिरिडीन बेस है ये, यहाँ भी आप पिरिडीन लिखिए हर जगह, क्योंकि इतनी कंडीशन है कि बेस स्ट्रॉन्गर होना चाहिए अमाइन से। पिरिडीन है ये, पिरिडीन इज अ बेस, लिखिए या लिखिए अंडरस्टूड है। तो स्ट्रॉन्गर बेस लेना यहाँ पर, और होता क्या कि स्ट्रॉन्गर बेस मीन लाइक पिरिडीन विच रिमूव HCl, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस तभी HCl रिमूव होगा स्ट्रॉन्गर बेस यूज करेंगे तो। सो फॉर्म्ड एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड, और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसको राइट हैंड साइड इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा अगर स्ट्रॉन्गर बेस डालेंगे तो। कंडीशन ये है, तो ये तीन रिएक्शन अच्छी तरह से करिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स, ये यहाँ तक पूरा हो जाता है हमारा एसाइलेशन। अब आता है अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, एनसीईआरटी की बुक में पहली ही रिएक्शन लिखी हुई है और वहां लिखा हुआ कि इसमें अल्काइल हैलाइड्स में पढ़ लीजिए इसको। तो अल्काइल हैलाइड्स में भी रिएक्शन, यानी कि अमाइंस का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, ये आर आर एक्स एक्स की जगह में आई लगाया हुआ, आर की जगह सी टू एच फाइव, आप कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इस रिएक्शन में क्या करना है, टेम्परेचर 373 केल्विन पर अमाइंस लीजिए, जैसे यहाँ मैंने एथाइल अमाइन लिया हुआ और यहाँ से इसमें इथाइल आयोडाइड आर एक्स मैंने अल्काइल हैलाइड इसमें, इसको अल्काइलेशन बोलते हैं अल्काइल ग्रुप का ऐड होना। तो यहाँ पर देखिए ये सी टू एच फाइव यहाँ आ जाएगा और एक एच यहाँ से काम हो जाएगा, तो प्राइमरी मीन से ये अब सेकेंडरी मीन ये बनकर टू डिग्री, यहाँ था वन डिग्री से टू डिग्री। और यहाँ भी बच्चों एक चीज़ गौर से देखें आप कि ये जो है हमारे पास लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, इट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल और ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बांध जो है ब्रेक हो जाएगी और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये टू डिग्री में डाई था एलमीन बना, फिर हमने सी टू एच फाइव आई लिया और 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर रिएक्शन दिया हमने। अगेन ये एक्ट कर रहा है, ये माइंड जो है इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगी और ये बांध आई जो है ये चला जाएगा यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये 3 डिग्री माइंस बन जाएगा, पहले 2 डिग्री था अब 3 डिग्री माइंस। और फिर हम दोबारा इसमें सी टू एच फाइव, देखिए लोन पेयर जब तक खत्म नहीं हो रिएक्शन चलती जाएगी। अब सी टू एच फाइव, अब ये लोन पेयर सी टू एच फाइव लेगा, इसको एन के पास ही चार्ज आ जाएगा, ये बन जाएगा चार बार ये टेट्राइथाइल अमोनियम आयोडाइड बन गया, ये साल्ट बन गया लास्ट में। तो बच्चों आपने देखा अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन जो है, ये अल्काइल हैलाइड्स जब आप पढ़ेंगे वहाँ भी आपने पढ़ते हैं हाँ, तो वहाँ भी आपने पढ़ना ये अमाइंस का अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस बनते हैं। और इसमें आपने एक चीज़ और देखनी है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स क्या है, ये अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ALKY अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर्स क्या है। तो सब आयोडाइड फिर ब्रोमाइड और फिर क्लोराइड, आर आई इज ग्रेटर मोर रिएक्टिव देन आर बी आर और इट इज मोर रिएक्टिव देन आर सी एल। तो ये अल्काइलेशन असाइलेशन थी, अल्काइलेशन थी, इन रिएक्शनों को अच्छी तरह से करिए, नोट करिए इनको और अच्छी तरह से इनको रिवाइज करिए, पेपरों में आती है रिएक्शन। और एक बार रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में करी होती है तो यहाँ माइंस में काम आ जाती है, कहीं ना कहीं रिएक्शन दोबारा घूम फिर के आती है। तो अच्छी तरह से तैयार करिए टॉपिक को, और साथ में बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक भी करिए साथ में और शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच।